अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानी और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं, ये एक वेज रेसिपी है। बैंगन है, ये बैंगन भरे हुए बैंगन बनाए हैं मैंने। पहले मैं बताई थी हैदराबादी बैंगन बताई थी, खट्टे बताई थी, अभी बता रही हूँ सादे वाले, मगर है मसाले वाले। ये देखो इस तरह मसाला बनेगा उसका, ये खाने में बहुत टेस्टी, अच्छे सूखे रहते, मस्त है। अंदर से पूरा गल गया है, देखो बैगन, ये देखो इस तरह बैगन का तरकारी बनाते। तो चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमने जो इसे बनाए थे तो सबसे पहले एक टोमेटो लिए थे और उसे इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिए थे। अच्छा, मैंने एक टमाटर ली थी क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है, इसके लिए हम लोग कम ग्रेवी खाते हैं। आपको चाहिए तो दो या तीन टमाटर भी ले सकते थे। और बैंगन थे 250 ग्राम यानी पाव किलो। तो मैंने पहले इसको तेल लगाया था टमाटर को और इस तरह से गैस पे भून ली थी। भूनने के बाद इसका छिलका उतार दी थी मैंने, और छिलका उतारने के बाद मैंने पीस ली थी इसको। ये देखो ये इस तरह करने का, तेल लगाई थी मैंने तो छिलका फटाफट उतर जाता। ये 250 ग्राम है बैंगन, अच्छे कौले थे बैंगन। मेरा दिल हुआ कि चलो मैं आज तरकारी बना के डालती हूँ। और ये फिक्की चार हरी मिर्ची है, ये एक प्याज है, चार हरी मिर्ची एक प्याज है, और ये नमक है, और ये टमाटर कोरिएंडर और लहसुन के जवे, और हल्दी मिर्ची पाउडर है, दो चम्मच तेल ली थी मैंने। तेल में मैंने प्याज सौते कर ली थी और बैंगन को इसका तरह कट लगा ली थी। देखो दिखा, इसमें नमक और हल्दी भी भरी थी मैंने। ये देखो कौले कौले एकदम है बैंगन, ये देखो इस तरह। अरे कट इसलिए मारना पड़ता कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बैंगन अक्सर सड़े हुए रहते हैं जो अपने को दिखते नहीं है। तो इस तरीके से ब्रिंजल को बीच में से स्लिट कर लीजिएगा और फिर हल्दी और नमक मैंने भर दी थी। ये देखो ये इस तरह भर लेने का, तो बहुत अच्छे बनते हैं यार, अंदर भी नमक लग जाता है। इस तरह मैंने भर ली थी नमक और फिर मैंने तेल में फ्राई कर ली थी। तो नमक और हल्दी पाउडर को मम्मी ने एक साथ मिक्स कर लिए और फिर इसे ब्रिंजल में एक एक करके डाल दी थी। इस तरीके से ब्रिंजल को बीच में से स्लिट कर लीजिएगा मिडल में से, और फिर इसमें टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट डाल दीजिएगा। और फिर मैंने तेल गरम की थी। ये देखो टमाटर का छिलका निकाल रही, जो टमाटर अपन गैस पे भुने थे ना उसका छिलका निकाल रही, उतार रही छिलका, इस तरह उतार लेने का छिलका। और फिर कोथमीर लहसुन और हरी मिर्ची पीस ली थी, तेज वाली हरी मिर्ची पीस ली थी। इस तरीके से रफली टमेटोज को चॉप कर लीजिएगा और ग्राइंडर में डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें जाएगी कोरिएंडर, यहाँ पे जो है प्याज सौते कर रहे हैं, 8 से 10 लहसुन के जवे थे, 2 हरी मिर्ची और 1 चाय का चम्मच जीरा। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है मम्मी ने अनियन को थोड़ा सी लाइट ब्राउन सा कर लिए थे, गोल्डन सा, अभी वही अनियन को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे ताकि एक अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए, ताकि हमें इसकी ग्रेवी मिल जाए। हाँ मसाला बन जाता है, ऐसा पीसने से क्या होता है, इतना अच्छा मसाला बन जाता है इसका। तो इस तरह से उसको ग्राइंड कर लो, पीस लो। और ये तेल जो प्याज का बचा हुआ था उसमें मैंने बैंगन फ्राई कर ली थी, तो अच्छे से पक गए थे अंदर तक, ऐसा ढक के रख दी। फिर उसको मैंने पलटी कर दी थी एक एक करके, इस तरह टर्न कर लेना ब्रिंजल को, एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाए ये तो दूसरी साइड टर्न कर लीजिए। इसी तरीके से सभी ब्रिंजल को हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और ये चार हरी मिर्ची है, ये फिक्की वाली मिर्ची है, ये देखो इसके बीन्स भी निकले हुए हैं, फिक्की हरी मिर्ची भी मैंने उसके साथ ही फ्राई कर दी थी। और ये मसाला जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। ये टोमेटो, अनियन, गार्लिक, कोरिएंडर, ग्रीन चिली,
और क्यूमिन, ये छह चीज़ों का अच्छे तरीके से मम्मी ने ग्राइंड कर लिए थे। और इसमें थोड़ा सी हल्दी पाउडर, नमक डाले, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच धनिया जीरा पाउडर, एक चाय का चम्मच सौंफ पाउडर, एक चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये सभी मसाले डाल के ये मसाले की ग्रेवी बनाएगी मम्मी। देखिए थोड़ा सी मम्मी ने हाफ कप के करीब वाटर भी ऐड किए है ताकि मिक्सर ग्राइंडर में जो बचा हुआ मसाला है वो भी अच्छी तरीके से मिल जाए। और यहाँ पे देखिए ब्रिंजल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। 5 to 10 minutes के लिए आपने स्लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। ये जो फ्राई पैन है इसको हमने कवर कर लिए थे, तो इस तरीके से कवर कर लेना वरना जो क्या होगा पता है, ऑयल सब जगह उड़ेगा वो, तो इसलिए फ्राई करके ब्रिंजल को रखना है क्योंकि ब्रिंजल में थोड़ा पानी भी होता है तो इसलिए। और देखिए साथों साथ मिर्ची भी फ्राई हो चुकी है। अभी यही बचे हुए ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा रह गया था तो मम्मी ने थोड़ा कम कर लिए थे। अभी ये जो मम्मी ने ग्राइंडेड मसाला, ग्राइंडेड पेस्ट और मसाला जो डाले थे ये सभी डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये भून लिए, भूनने से क्या होता है इसकी स्मेल चले जाती है और मसाले अच्छे पक जाते हैं। रॉ स्मेल जो कच्चे मसाले रहते हैं वो नहीं लगते हैं। और फिर इस तरह भून लो और फिर मैं इसके अंदर बैगन छोड़ दूँगी, ब्रिंजल छोड़ दूँगी अंदर। ये थोड़ा सा कोरिएंडर डाले मम्मी ने खुशबू आने के लिए अंदर। ये देखो इस तरह छोड़ दो क्योंकि ये तेल में पूरे गल गए हैं, पूरे पक गए हैं। अभी इसको 10 मिनट रख दूँगी मैं, तो मसाला भी अच्छे से लग जाएगा। ये देखो इस तरह उसको ऐसा हाँ चमचे से खोल के अंदर मसाला डाल देने का, बहुत अच्छे बने थे। पक जाएगी इसमें देखो, अब उसको निकाल लेंगे इस तरह। बहुत अच्छे बन गए मसाले वाले बैंगन, अलग अलग टाइप्स में बनाती हूँ बैंगन। पहले मैंने बताई थी उसमें सेंग डाली थी और तिल डाली थी और इमली का खट्टा डाली थी और इसमें टमाटर डाली मैंने। ये देखो ये बैंगन बन के तैयार है, तो इसे आप टिफ़िन में भी लेके जा सकते हैं और घर में भी दाल चावल के साथ या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ मेरी मम्मी का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अकाउंट है, तो जितने लोग मेरी मम्मी को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि उनको इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे भी फॉलो किएगा जिस तरीके से मेरी मम्मी को आप लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी थी, इसे मम्मी आप सबके सामने ट्राई करके भी बता रहे हैं, इतना डिलीशियस और माउथ वाटरिंग थे, इसे ज़रूर ट्राई किएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।